हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे मैं कुछ जेड प्लांट को तैयार कर रही थी बोनसाई के लिए, और कटिंग लगाने के बाद आज करीबन साल भर से ज़्यादा हो गया इन पौधों को। और कुछ ऐसे पौधे हैं जो करीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 3 साल के लगभग के पौधे हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा अलग अलग पॉट में शिफ्ट करने जा रही हूँ। एक ही पॉट में कटिंग लगा दी थी, या कुछ टोपियारी कटिंग लगी हुई थी, काफ़ी घना प्लांट हो गया था, तो मैंने पिकॉक टोपियारी तैयार कर दी थी और आज उसको मैं अलग करने जा रही हूँ। इस पॉट में देखिए 2 कटिंग लगी हुई है और दोनों बहुत अच्छे से बढ़ चुकी है अब, तो उसको मैं अब पॉट में शिफ्ट करूँगी। अभी तुरंत ही बोनसाई पॉट में नहीं शिफ्ट करना है, धीरे धीरे छोटे पॉट में शिफ्ट करेंगे। अचानक ही अगर छोटे पॉट में मैंने शिफ्ट कर दिया तो हो सकता है कि पौधा मेरा ख़राब हो जाए। यहाँ दोनों पौधों को मैंने अलग कर लिया है और बहुत ज़्यादा अभी शेप में मैं पौधों को नहीं ला रही हूँ। एक बार पौधों को मैं मिट्टी में लगा दूंगी, उसके बाद पौधे जब सेट हो जाएंगे करीबन 15 से 20 दिन के बाद ही मैं इसमें किसी तरीके का शेप दूंगी। तो हल्की हल्की मिट्टी इनकी हटा ले रही हूँ और फिर इनको जिस भी गमले में मुझे लगाना है उसमें लगा दूंगी। अगर बोनसाई के शौकीन है, बोनसाई प्लांट तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जेड या फाइकस के पौधों से शुरुआत करनी चाहिए। और मैं भी अभी देखिए करके सीख ही रही हूँ, तो फाइकस के प्लांट और ये जेड प्लांट, इन्हीं दोनों को मैंने तैयार किया है कटिंग से बोनसाई प्लांट के लिए। और इस सीज़न भी मैंने ढेरों कटिंग तैयार कर ली है फाइकस की और इस जेड प्लांट की। इन पौधों को अगर कहीं भी हम अपने गार्डन में रखते हैं तो उधर की खूबसूरती बढ़ जाती है। और मुझे भी बोनसाई प्लांट तैयार करने में काफ़ी अच्छा लगता है। अभी बहुत कुछ मुझे आता तो नहीं है, धीरे धीरे मैं सीख ही रही हूँ, और किस तरीके से सीखा है वो भी पीछे भी आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया है कि किस तरह से कितने कलेक्शन है मेरे पास। और ये देखिए, जब हम बोनसाई प्लांट तैयार करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कटिंग तैयार करनी होती है, जो कटिंग से तैयार होने वाले पौधे होते हैं जैसे कि फाइकस और बोन्स, ये जेड प्लांट। तो धीरे धीरे जो ये पौधा बढ़ता जाता है उसी हिसाब से हम फिर उसकी कटिंग, प्रूनिंग या शेप में लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधा साल भर में ही तैयार हो जाएगा और 2 साल में हम उसको बोनसाई के लिए तैयार कर लेंगे। सालों साल लग जाते हैं किसी प्लांट को बोनसाई प्लांट बनाने के लिए। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी बहुत स्लो ग्रोथ होती है, तो उन पौधों में और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये 2 पौधे ऐसे हैं, अगर हम सीखना चाहते हैं तो इन पौधों से अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ तेज़ी से होती है। और फाइकस में भी कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ ऐसी वैरायटी है जो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, तो उन पौधों को हम कटिंग से तैयार करके उनकी बोनसाई उन पौधों पर बना सकते हैं। अभी ये अक्टूबर का महीना रिपोर्टिंग के लिए सही है, तो मेरे ये कुछ पौधे एक ही पॉट में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इनको शिफ्ट कर देते हैं अलग अलग पॉट में, जिससे ये पौधे और घने हो जाएं और इनका तना और ज़्यादा मोटा दिखे, पुराने पौधे पेड़ की तरह। और इसमें देखिए किस तरीके से कितनी कटिंग लगी हुई है और पूरा जो है पॉट जेड प्लांट से भरा हुआ है, तो इनको निकालने में ही काफ़ी मेहनत वाला काम है। और वायरिंग वगैरह मैंने कर रखी थी, जो भी मैंने पिकॉक टोपियारी बनाई थी उसके लिए 2 मैंने बनाई थी, 1 मैंने छोड़ दिया है ऐसे ही गार्डन में, लेकिन यहाँ से प्लांट मैं अलग कर ले रही हूँ और इनको मैं शेप देने की कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से नीचे से मैंने देखे कट कर दिया है पूरी जड़ों को, और फिर इनको अलग अलग पॉट दूँगी। और मिट्टी अभी मैं कोई भी इसमें कंपोस्ट नहीं मिला रही हूँ, जो मिट्टी है उसी में इनको शिफ्ट करूंगी, क्योंकि पूरी जड़ें इनकी खुल जा रही हैं और पौधा काफ़ी बड़ा पौधा है। छोटे पौधे होते हैं तो अगर उनकी जड़ें खुल जाती हैं तो बहुत जल्दी वो सेट हो जाते हैं। बड़े पौधों को अगर हम जड़ खोल के लगाते हैं तो थोड़ा सा उनको सेट होने में टाइम लगता है। और इसमें क्या है कि पौधे हमारे ख़राब भी हो सकते हैं अगर हमने इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट वगैरह कुछ भी इस तरह का यूज़ किया। तो सिंपल मैंने गार्डन की अपनी मिट्टी ले रखी है और उसी में ही मैं इन पौधों को लगाऊंगी। जल्दी अगर बोनसाई बनाना है हमको, तो इस तरीके से पहले हमें
बड़े पॉट में किसी भी कटिंग को लगानी चाहिए। अगर तुरंत से ही हम बोनसाई पॉट में कटिंग को लगाते हैं तो वो पौधा उतने जल्दी से ग्रो नहीं होता है, ना उतना हेल्दी दिखेगा। बड़े मिट्टी के गमले में या प्लास्टिक के गमले में, इतने बड़े गमले में लगाएं जिससे उस पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके, मिट्टी उसको अच्छी मिले तो पौधा भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो मैं भी यही करती हूँ, चाहे फाइकस के पौधे हों या ये जेड प्लांट, पहले मैं इनको बड़े पॉट में तैयार करती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से छोटे पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, एक तरफ ये झुक रहा है, तो अभी तो मैं इस पर कोई भी वायरिंग का काम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सपोर्ट दे रही हूँ इस ब्रांच को कि ये झुके ना, क्योंकि जड़ें काफ़ी ज़्यादा हैं और अगर सपोर्ट नहीं दूँगी तो ये पौधा निकल जाएगा गमले से। और ना ही नीचे से अभी मैंने कोई वायरिंग की है, अभी मैं इस पर कोई वायरिंग, कोई सेप नहीं दूँगी, जो इसका नेचुरल सेप है वही है। करीबन 20 से 25 दिन बाद मैं इसको सेप में ले आऊँगी, कौन सी ब्रांच हटानी है, कौन सी ब्रांच रखनी है, कहाँ प्रून करना है, वो भी आगे मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और क्या सेप आता है हर एक प्लांट का, वो भी मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे सभी पौधों को मैंने पानी दे दिया है और इस तरीके से एक देखिए मैंने यहाँ पर छोटा सा पत्थर भी रख दिया है जिससे वो भी सपोर्ट ले ले, पौधा हिले ना। और ये भी प्लांट है, अभी मैंने किसी भी पौधे की कोई कटिंग प्रूनिंग नहीं की है, ऐसे ही लगा दिया है और धीरे धीरे मैं इनको कट करती जाऊंगी, सेप में लाती जाऊंगी। तो ये सबसे आसान तरीका है कि पहले किसी पौधे को हम बड़े पॉट में लगा दें और उसके बाद धीरे धीरे फिर हम उसको छोटे से छोटे पॉट में शिफ्ट करते जाएँ और एक टाइम ऐसा आए जब उसको हम किसी भी बोनसाई ट्रे में शिफ्ट करें तो हमारा पौधा बहुत जल्दी बोनसाई का लुक ले लेता है। और यहाँ पे जो भी पौधे बचे हुए थे कटिंग, उनको मैंने लगा दिया।